नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में जारी चुनाव के बीच चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण का डेटा देर से जारी किए जाने को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता आज गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में हर चरण के बाद पूर्ण मतदान प्रतिशत के आंकड़े तत्काल जारी करने की मांग की जाएगी। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेता भाजपा के अपने चुनावी अभियान में कथित तौर पर धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाएंगे। विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने राहुल के खिलाफ केंद्र की बीजेपी सरकार पर देश में आरक्षण हटाए जाने के भ्रामक दुष्प्रचार, बयानबाजी और तथ्यहीन आरोपों के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही करने की मांग की है। अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय संविधान को सर्वोच्च सम्मान देते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता जनसभाओं में देश के संविधान पर खतरा बता रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के खिलाफ जनता के बीच में ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि भाजपा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है कि वह संविधान को बदल सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी पर मिथ्या आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल कर केवल अपने राजनीतिक हित साध रहा है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल इस बार उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कल बुधवार को हैदराबाद में कहा कि ये छोटा भाई बड़ा भाई है ना, छोटा भाई बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा लो तब हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है कि छोटे तेरे को 15 मिनट लगेंगे और हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाया तो दोनों भाई को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और कहाँ को गया। नवनीत राणा ने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये चुनाव हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए है। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों की जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। वहीं अब मायावती के इस कदम पर आकाश आनंद की प्रतिक्रिया आई है। आकाश का कहना है कि मायावती पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उनका फैसला स्वीकार है। आकाश ने कहा कि आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आकाश आनंद ने कहा कि आप हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पे, भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान पर अन्य विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहली बात क्रोनोलॉजी समझिए, अपने ही प्रदेश के पुराने साथियों पर अपने प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के अगले दिन ही आरोप क्यों लगाए गए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक चुनावी सभा में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा था कि जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से शहजादे ने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं, आज टेम्पू भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार किसान की बोरी से चोरी करने वालों ने बोरी भरे काले धन का आरोप लगाकर खुद ही ये स्वीकार कर लिया है कि देश में काला धन बोरी भर भर कर उपलब्ध है। देश के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों के बारे में ऐसी बात कहकर भाजपाइयों ने पूरी दुनिया में भारत के उद्योग जगत के व्यापारिक संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का दावा करने वाली भाजपा ने देश की छवि का ढोल ही फाड़ दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान पर अन्य विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी का यह बयान नोटबंदी की असफलता को भी स्वीकार करता है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि काला धन न केवल है बल्कि भरपूर चलन में भी है। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता पूछ रही है कि अगर आपको ये सब मालूम था तो आपकी एजेंसियां सक्रिय क्यों नहीं हुई। भाजपा सरकार सब कुछ जानते हुए भी क्या सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का टेप उसके मुंह पर लगा हुआ था। अखिलेश ने पूछा कि भाजपा ने जिन पर आरोप लगाए हैं क्या उनको दिए गए सारे ठेके पट्टे रद्द कर देगी। भाजपा क्या अगले चरण का चुनाव लड़ेगी या फिर तीसरे चरण को ही अंतिम चरण मानकर हार मान लेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का खुद राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? आमतौर पर आप बंद कमरों में अडानी और अंबानी जी की बात करते हो, आपने पहली बार पब्लिक में अंबानी अडानी बोला और आपको ये भी मालूम है कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। राहुल ने पूछा, निजी अनुभव है क्या? कांग्रेस नेता ने कहा कि एक काम कीजिए, सीबीआई और ईडी को इनके पास भेजिए, पूरी जानकारी करिए, जांच करवाइए, जल्दी से जल्दी करवाइए, घबराइए मत मोदी जी। मैं देश को फिर दोहराकर कह रहा हूं कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। देश में जारी लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी, जिसे लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बना रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी पर बहुत खुश है, हर रोज पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल एयर स्ट्राइक होती है और राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, पीएम मोदी सीएए लाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि हम वापस ले लेंगे। पाकिस्तान का पूरा एजेंडा भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। अगर ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का पाप ये कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में कल बुधवार 8 मई को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। बता दें कि कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को तीसरी सफलता मिली है। एक दिन पहले ही सैन्य बलों ने दो आतंकी मार गिराए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले के रेदवानी इलाके में मुठभेड़ स्थल के पास खरों की तलाशी के दौरान वहां छिपे एक आतंकवादी के साथ गोलीबारी हुई। यह आतंकवादी गोलीबारी के दौरान मारा गया, उसकी पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पुंछ में भारतीय वायुसेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। इस हमले के बाद कुलगाम के रेतवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। लिस्ट के मुताबिक आनंदपुर साहिब से डॉक्टर सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और संगरूर से अरविंद खन्ना को टिकट दिया गया है। गजा में संघर्ष विराम के लिए हुई वार्ता बेनतीजा रही। वहीं इस बीच इसराइल ने रफा में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल का कहना है कि जब तक रफा में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक युद्ध में जीत हासिल नहीं की जा सकती। हमले की चेतावनी देते हुए इजरायली सेना ने रफा के पूर्वी इलाकों में रह रहे करीब 1,00,000 लोगों से खान यूनिस और अलमवासी जाने के लिए कहा है। वहीं इसराइल के रफा में हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल गजा के रफा में कोई बड़ा अभियान शुरू करेगा तो अमेरिका कुछ हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा। बाइडेन ने कहा कि अगर इसराइल रफा की ओर आगे बढ़ता है तो हम वो हथियार सप्लाई नहीं करेंगे जो कि रफा जैसे शहरों के साथ निपटने के लिए मुहैया करवाए जाते रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने साथ ही ये भी कहा कि वो यह सुनिश्चित करेंगे कि इसराइल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आईपीएल 2024 का 57वां मैच कल बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद की टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 165 रन बनाए थे। इसका पीछा करने मैदान में उतरी हैदराबाद की टीम ने 9.4 ओवर में बिना विकेट गंवाए 167 रन बनाकर इस मैच में जीत हासिल की।
स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 9 मई को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 20 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 22,280 पर खुला, तो वहीं सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 73,300 पर आ गया है। वहीं इससे पहले कल बुधवार को सेंसेक्स 45 अंक फिसलकर 73,466 पर बंद हुआ था। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 200 अंकों की तेजी के साथ 48,200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।